दोस्तों, आज हम परफेक्ट साबूदाना वड़ा बनाएंगे। साबूदाना वड़ा फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। अगर सही मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो हमारे वड़ा बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आप साबूदाना वड़ा चटनी के साथ खा खा कर बोर हो गए हो तो आप साबूदाना वड़ा से बहुत ही टेस्टी चाट भी बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान सी रेसिपी, साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 उबले हुए और मैश किए हुए आलू लिए हैं, जिसमें हम 2 कप भिगोए हुए साबूदाना भी डाल देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून अदरक मिर्ची की पेस्ट, 1 नींबू का रस, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए हरा धनिया, नमक स्वादानुसार और 1 कप भुनी हुई और पीसी हुई मूंगफली डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप उपवास में अदरक नहीं खाते तो आप इसे बिना अदरक के भी बना सकते हो। तो यहाँ हमारा वड़ा बनाने का मिश्रण तैयार है। इस मिश्रण का छोटा सा हिस्सा लेंगे और हथेली के बीच इस तरह से घुमाते हुए वड़ा बना लेंगे। वड़ा को हम प्रेस करते हुए बनाएंगे, जिससे वड़ा तलते वक्त बिखरेंगे नहीं और वड़ा एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी तरह हम सभी वड़ा बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि हमने सभी वड़ा बना करके तैयार कर लिए हैं, जिसे हम गर्म तेल में तल लेंगे। तलते वक्त एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि इसे बार बार नहीं पलटना है। जब लगे कि वड़ा थोड़े से ब्राउन हो गए हैं तब हम इसे पलटेंगे। गैस की आंच मध्यम रखेंगे और वड़ा को क्रिस्पी होने तक तल करके तैयार कर लेंगे। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारे साबूदाना वड़ा बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इसी तरह हम सभी वड़ा तल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारे सभी वड़ा बनकर के तैयार है, जिसे हम किचन पेपर पर निकाल लेंगे। देखा ना दोस्तों, क्रिस्पी वड़ा बनाना कितना आसान है। और यकीन माने दोस्तों, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इस साबूदाना वड़ा को चाट की तरह भी सर्व कर सकते हो। डिश में साबूदाना वड़ा रखेंगे, ऊपर मीठा दही, दही में मैंने शक्कर डाली थी, फराली चिवड़ा और अनारदाना से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ हमारा बहुत ही स्वादिष्ट साबूदाना वड़ा चाट तैयार है। दोस्तों, आपको मेरी साबूदाना वड़ा और साबूदाना वड़ा चाट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।